सो आज की वीडियो में थ्री इंपॉर्टेंट कॉम्पोनेंट्स फॉर अ सक्सेसफुल फेसबुक एड्स, लेट्स गो। सो माय नेम इज टी एंड यू वाचिंग ऑनलाइन मनी एज यूजुअल। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेक श्योर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल का आइकन जरूर प्रेस करो, बिकॉज यहां पर आपको फ्री में डिजिटल मार्केटिंग, फ्री में एफिलिएट मार्केटिंग, फ्री में मनी मेकिंग अर्निंग टैक्टिक्स आपको सिखाई जाती हैं, जो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो मेक श्योर आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस करो और वीडियो को लाइक करो, बिकॉज आपका एक लाइक मुझे बहुत ज्यादा मोटिवेट करता है आप लोगों के लिए ऐसी वीडियोस लेके आने के लिए। तो दोस्तों आज की जो वीडियो है उसको बहुत ज्यादा ध्यान से देखना, बिकॉज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और यही वजह है कि लोग जो होते हैं, जो इतने सारे लोग हैं जो फेसबुक एड्स कैंपेन रन करते हैं और बुरी तरह से फेल होते हैं, बुरी तरह से अपने पैसे गंवाते हैं। क्यों गंवाते हैं? क्योंकि ये जो तीन चीजें हैं वो इन तीन चीजों को समझ नहीं पाते, इन तीन चीजों पे टाइम नहीं दे पाते हैं और एक सक्सेसफुल एड रन नहीं कर पाते हैं। बिकॉज ये वो तीन चीजें हैं जिन पे वो टाइम नहीं देते। अगर ये तीन चीजों पे वो टाइम दिए तो पूरा उनका एड बजट या कैंपेन ऑप्टिमाइजेशन वो सब यहीं से ही वो कंट्रोल कर लेंगे। बट अगर इन चीजों पे आप भी नहीं काम करोगे और आप भी डायरेक्ट जाओगे और स्टार्ट कर दोगे एफबी कैंपेन, तो बिलीव मी आप भी वही रिजल्ट लाओगे जो रिजल्ट वो ला रहे हैं, जो अनसक्सेसफुल लोग हैं जो एफबी एड को सही से रन नहीं कर पा रहे हैं। तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको फोकस करना पड़ेगा ये तीन चीजें जो मैं आपको यहाँ बताने वाला हूँ। सबसे पहली जो चीज है उस पर मैं बात करता हूँ और वो चीज होती है एड कॉपी, राइट। एड कॉपी होती क्या है, बिग थिंग, राइट। देखो वैसे तो मैंने बहुत बार इस चीज के बारे में बात की है, एड कॉपी क्या चीज है। एड कॉपी वो चीज होती है जो फ्रंट में लोगों को दिखती है, राइट। और एड कॉपी में कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स होते हैं, उसको बोलते हैं लाइक अट्रैक्शन, बिलीव, राइट। और तीसरा कि ऐसी चीज जो लोगों को अचंभित, अमेज कर दे, राइट। और इसका भी एट द एंड मतलब ये होता है अट्रैक्शन, राइट। तो एक बिग जो वर्ड है वो उठ के आता है, उसको बोलते हैं अट्रैक्शन, राइट। तो अट्रैक्टिव बनाओ अपनी जो एड कॉपी है, हद से ज्यादा अट्रैक्टिव बनाओ। लाइक हम लोग यहाँ पर एक एग्जांपल लेते हैं, मैं आपको बहुत डिटेल में समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। जैसे कि मैंने पिछली वीडियो में बताया आपको एफबी एड क्यों करना चाहिए, राइट, उसको मैंने डिटेल में बताया। अगर आपने नहीं देखी तो वीडियो को जाके देखो, राइट। और दूसरी चीज जो हम लोग का ग्रुप है, राइट, ग्रुप का लिंक है नीचे में, और फेसबुक ग्रुप का, ये जो अपना फेसबुक ग्रुप है, यहाँ पर आके आप क्वेश्चंस करो ना। ये ग्रुप आपके लिए ही बनाया गया है कि आप क्वेश्चंस कर सको, ये एक कम्युनिटी है। गाइस मैं फ्री में चीजें इसलिए प्रोवाइड कर रहा हूँ बिकॉज मैं चाहता हूँ कि हमारे चैनल से, जो हमारा ऑनलाइन मनी का चैनल है, यहाँ से कम 51 लोग ऐसे निकले जो एजेंसीज ओपन करें, जो लोगों के लिए एड रन करें, बिग स्केल पे फ्रीलांसिंग करें, राइट। मतलब हमारा पूरा एक कम्युनिटी होना चाहिए कि 51 बहुत डेंजरस प्लेयर, सक्सेस स्टोरीज लाइक दैट, राइट। ऐसा होना चाहिए, इसलिए मैं इतना डीप जाके बता रहा हूँ, वरना मैं सीधा कैंपेन से स्टार्ट कर सकता हूँ और वहीं खत्म कर सकता हूँ 5 से 10 वीडियो में, राइट। बट मैं आप लोगों के लिए 30 से 40 वीडियोस लेके आने वाला हूँ जो बिल्कुल एक न्यूबी को एक्सपर्ट बना दे, राइट। इसलिए मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ, आप लोगों के लिए चीजों को निकाल रहा हूँ, खुरेद रहा हूँ कि हर चीज आपको समझ में आ सके, राइट। तो पहला जो कॉम्पोनेंट है वो अपना एड कॉपी, और मैंने बताया कि अट्रैक्शन इज द की। अगर आपका एड कॉपी अट्रैक्टिव है तो ही आप लोगों को अपने तक लेके आ सकते हो, राइट। जैसे कि फेसबुक एग्जांपल ले रहे हैं हम लोग, जैसे फेसबुक क्या है, एक प्लेटफॉर्म है, सोशल प्लेटफॉर्म है। तो लोग क्या होते हैं, ज्यादातर वहां पर आते हैं टाइम पास करने, रिलैक्स लेने, राइट। ज्यादातर लोग, मार्केटर्स की बात नहीं कर रहा हूं मैं, जो कॉमन लोग हैं, जो लोग आपके बायर्स हैं, जो लोग आपके कस्टमर्स हैं, वो लोग क्या करने आते हैं, वो टाइम पास करने आते हैं। वो किसी भी इस माइंडसेट से नहीं आते हैं कि हम जाएंगे और सीधा एपे में खरीदारी करेंगे, ठीक है, कुछ चीजें खरीदेंगे। तो आप कैसा एड कॉपी बनाओ कि वो लोग बायर में कन्वर्ट हो जाए, राइट। कैसी एड कॉपी बनाओ तो उस पर आपको फोकस करना है। लाइक अगर मैं बेचना चाहता हूँ एक कपड़ा, राइट, एक कपड़ा, एकदम सीधा एग्जाम्पल लेता हूँ, एक कपड़ा अगर मैं बेचना चाहता हूँ सोशल नेटवर्क पे, तो मैं उस कपड़े को कैसे डिजाइन करूं उसका एड कॉपी, राइट।
ये मेरी एड कॉपी है, तो मैं इसको कैसे डिजाइन करूं, इस पे आप ज्यादा से ज्यादा वक्त लगाओ कि मैं कैसे उस चीज का एड कॉपी डिजाइन करूं कि वो बंदा उस पे क्लिक करे और मेरे लैंडिंग पेज पे जाए। तो यहां से आपको समझ में आ गया होगा कि दूसरी जो बड़ी चीज होती है उसको बोलते हैं लैंडिंग पेज। लैंडिंग पेज गाइस, लैंडिंग पेज के बारे में मैंने बहुत बार बात की है। लैंडिंग पेज में तीन बिग कंपोनेंट्स होते हैं। लैंडिंग पेज के अंदर की बात करो, तीन बिग कंपोनेंट्स होते हैं। सबसे पहला होता है हुक। हुक हुक क्या चीज है? हुक मतलब ऐसी अट्रैक्टिव लाइन जो तुरंत जो भी बायर कस्टमर वहां आए उसको मेस्मराइज कर दे, राइट, अचंभित कर दे, एकदम अट्रैक्ट कर ले, उसको बोलते हैं हुक, राइट। लाइक लूज योर वेट विदाउट डाइटिंग, राइट, लूज योर वेट विदाउट डाइटिंग, मतलब डाइट भी नहीं करना और वेट भी लूज हो जाएगा, राइट। तो ऐसे करके आपको हुक लिखने हैं, हेडलाइंस लिखने हैं, इसको बोलते हैं हुक। और उसके बाद आता है स्टोरी। स्टोरी में बताना है अपने प्रोडक्ट के बारे में, एडवांटेजेस, कैसे आया, क्या हुआ, तो उसको बोलते हैं स्टोरी। और लास्ट में आपका होता है ऑफर। ऑफर में क्या, वही कि आपका प्रोडक्ट इतने डॉलर का है, आप इसको खरीद लो। तो ये दो चीज जो आपको बहुत ध्यान से बनानी है। सबसे पहले मोस्ट ऑफ पीपल जो इस समय एफबी एड्स में फेल हो रहे हैं बिकॉज वो ये दो चीजों पे काम नहीं करते, वो बहुत आलतू फालतू चीजों पे काम करते हैं, वहां ज्यादा दिमाग लगाते हैं, और एट द एंड इन दो चीजों की वजह से उनका जो कैंपेन है वो टोटली लॉस में जाता है, इवन वो अपने पैसे रिकवर भी नहीं करा पाते हैं। अब लास्ट जो चीज है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और आपको भी इस चीज पे ध्यान रखना है, इसको बोलते हैं टारगेटिंग। गाइज, अगर मैं बेच रहा हूं एक ऐसा प्रोडक्ट जो आपको हेल्प कर रहा है आपका वेट लॉस करने में, राइट, तो मुझे वो ऑडियंस को ढूंढना है जिनका वेट बढ़ा हुआ है और जो लिटरली लॉस करने वाले हैं, राइट। अगर मैं ढूंढूंगा 40 से 45 साल के बाद के लोगों को और उनको टारगेट करूंगा, या बोलो 35 साल के बाद के लोगों को टारगेट करूंगा, तो क्या वो रियली इंटरेस्टेड होंगे अपना वेट लॉस करने में? मोस्ट ऑफ द केसेस वो इंटरेस्टेड नहीं होंगे गाइज। उसके बाद जो 35, 36 या 40 साल के बाद जो दौर होता है, उसके बाद लोग जैसे होते हैं वैसे सोच छोड़ देते हैं, यार छोड़ यार जिंदगी है, चलने दो, इस टाइप का मतलब उनका माइंडसेट हो जाता है, राइट। अभी जैसे कि मैं अगर वेट में जाता हूँ तो मैं ज्यादातर टारगेट करूंगा वो बच्चे, वो टीनेजर्स, वो एडल्ट्स, राइट, जो अभी अपने लाइफ में कदम रख रहे हैं, आ रहे हैं, तो उनको थोड़ा सा स्वैगी टाइप का मूड रहता है उनका और उनको थोड़ा स्टाइलिश दिखना रहता है। तो उनको जब मैं टारगेट करूंगा तब मेरी सही टारगेटिंग हो पाएगी और मेरा प्रोडक्ट सेल हो पाएगा। बट क्या होता है, लोग क्या करते हैं, उनको बेचना है गेमिंग के प्रोडक्ट और वो टारगेट कर देते हैं ऑल टीनेजर्स, राइट। अब पूरे जो टीनेजर्स है, लाइक 12 से लेके अगर 19 साल तक मैं लूं, तो जरूरी थोड़ी ना वो पूरे ऑल टीनेजर्स खेलते हैं गेम, राइट, उनका अलग अलग कैटेगरी होगा। तो उनमें से भी कुछ अच्छे टारगेटेड वेज, मतलब एरियाज को आपको टारगेट करना होगा कि इतने साल के बच्चे तो पक्का गेम खेलते होंगे, राइट, कि लाइक 15 साल से लेके 18 साल या 17 साल की, इतने साल के बच्चे तो पक्का गेम खेलते होंगे बिकॉज इनके पास तो कुछ काम, मतलब काम ही नहीं रहता। इसको बोलते हैं एग्जैक्ट टारगेटिंग। जब तक आपका एग्जैक्ट टारगेटिंग नहीं होगा, आपकी टारगेटेड ऑडियंस नहीं होगी, तो आपका प्रोडक्ट सही रिजल्ट नहीं लेके आ पाएगा, सॉरी, आपका कैंपेन जो है वो सही रिजल्ट लेके नहीं आ पाएगा। तो आपको सबसे पहले फोकस करना है कि दिखता क्या है, जो दिखता है वही बिकता है। तो उस दिखने वाले चीज को कितना ज्यादा अटेंशन फोकस बनाए, कितना ज्यादा अट्रैक्टिव बनाए कि लोग उसको देखें और तुरंत उस चीज पे क्लिक करें, उसको बोलते हैं एड कॉपी। दूसरा जो होता है लैंडिंग पेज की, जैसे ही बंदा एड कॉपी पे क्लिक करके आया लैंडिंग पेज पे, तो उसको लैंडिंग पेज भी डबल डबल 2x बेनिफिशियल दिखनी चाहिए एड कॉपी से भी, बिकॉज वहीं से उसका माइंडसेट चेंज होगा और वो जाएगा उस चीज को खरीदने के लिए, आपका जो प्रोडक्ट है। तो जो लैंडिंग पेज है वो 2x बेनिफिशियल दिखना चाहिए एड कॉपी से। और तीसरी जो चीज है, जो कोर है, जो सबको समझनी चाहिए, टारगेटिंग बहुत ज्यादा स्पेसिफिक होना चाहिए
और श्योर कि आपके जो प्रोडक्ट है उसके लिए ही वो टारगेट ऑडियंस होनी चाहिए, ना ऊपर ना नीचे। जहां आप इस चीज को मिस करते हो, जो आप बोलते रहते हो ना कि आपका सीपीसी बढ़ रहा है, ज्यादा पैसा लग रहा है, ये सब इसी कारण होता है, क्योंकि फेसबुक चाहता है कि आप उन्हीं लोगों को टारगेट करो जिन लोगों की जरूरत है आपको। अगर आप थोड़ा भी इधर उधर जाओगे तो वो आपको चार्ज भी करेगा, डिसअप्रूव भी करेगा, और थोड़ा सा अगर उसकी पॉलिसी को क्रॉस भी करोगे तो बैन भी करेगा। यही कुछ कारण है जिसकी वजह से एफबी कैंपेन जो है वो फेल होते हैं। तो आप आज से ही स्टार्ट करो, जितने भी आपको एड कॉपी मिलते हैं, मैं ये होमवर्क दे रहा हूँ आपको, उनको देखो कि वो क्या कर रहे हैं, उन पे कितने क्लिक आ रहे हैं, क्या वो एंगेजमेंट गैदर कर रहे हैं, क्या वो अट्रैक्टिव है, और उनका एक नोट्स बनाना स्टार्ट करो। प्लस जितने भी लैंडिंग पेज देखो उनका भी एक नोट्स बनाना स्टार्ट करो। राइट, ये जो एक लैंडिंग पेज है मैं आपको दिखा दूँ, ये एक इजी सा लैंडिंग पेज है, ठीक है। एक कंपनी है बिल्डर, ये उसका लैंडिंग पेज है। राइट, तो ये आप देख सकते हो यहाँ पर क्या क्या इन लोगों ने किया है, एकदम सिंगल सा लैंडिंग पेज है। और यहाँ पर इन्होंने दूसरा लैंडिंग पेज दिया है, अगर इनके वेबसाइट को आप चेक करना चाहते हो तो आप जाके इनके वेबसाइट को चेक करो। तो ऐसे करके आपको भी पूरा एक लिस्ट तैयार करो, एक पूरा डाटा नोट बनाओ, जो भी आप देखते हो फेसबुक में एड कॉपी उसका, और जो लैंडिंग पेज देखते हो उसका, और टारगेटिंग को सोचो। जैसे आपका कोई भी बिजनेस है, आप एफिलिएट करते हो, उस चीज को भी सोचो कि अगर मैं इस चीज का एफिलिएट करूँ तो मैं किसको टारगेट करूँ। ऐसे करके आप धीरे धीरे एक्सपर्ट बनोगे एफबी एड्स में। गाइज, मैं जब भी एक भी कैंपेन रन करने जाता हूँ, चाहे मेरे क्लाइंट का हो चाहे मेरा खुद का हो, कम से कम 3 से 4 दिन मैं सिर्फ इन तीन चीजों में लगाता हूँ कि इन तीन चीजों को डेवलप कैसे किया जाए, कैसे बहुत अच्छा एकदम बेहतरीन लेवल पे बनाया जाए। बिकॉज मैं ही एक अकेला नहीं हूँ जो कैंपेन चला रहा हूँ, वहाँ कंपटीशन बहुत ज्यादा है, वो लोग बहुत ज्यादा सोचते हैं, बहुत ज्यादा समझते हैं, फिर जाके एक चीज को लोग लॉन्च करते हैं। तो वो लोगों को बीट करने के लिए मैं कैसे, कौन से कोर पॉइंट्स पे काम करूं कि मैं उनको बीट करूं, और जो मेरा फेसबुक है वो वेल टारगेटेड हो और फेसबुक मेरे ऐड को ऊपर ले जाए, उनसे पहले मेरे ऐड को ऊपर ले जाए। तो मुझे इन तीन चीजों पे कोर काम करना होगा और बहुत अच्छे से करना होगा। तो गाइज, आज से इसका होमवर्क स्टार्ट करो, और आज से हमारा एफबी ऐड स्टार्ट हो गया, पिछले कल से ही स्टार्ट हो गया, बट आज से मेन काम स्टार्ट हो गया। और मुझे बताओ कि आपने स्टार्ट करना है या नहीं करना है आज से। अगर नहीं करना है तभी बताओ, करना है तभी बताओ, इन द कमेंट जाओ, नीचे लिखो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और भी ज्यादा सॉलिड वीडियो आएगी नेक्स्ट में, तो रेडी रहो और होमवर्क अपना करते रहो। सी यू नेक्स्ट टाइम, बाय बाय, जय हिंद।